बीजेपी सीए के समर्थन में एक जनसभा माफ कीजिए आम सभा और रैली करने जा रही है। इस बहाने बीजेपी रायपुर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में ये रैली होगी, जिसके बहाने बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर होगी, और क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार सीएए और एनआरसी के खिलाफ है। हाल ही में कांग्रेस पार्षदों के सम्मान समारोह के जरिए कांग्रेस भी एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर चुकी है। बीजेपी की इस रैली को उसी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी इस आम सभा और रैली के बहाने राज्य सरकार खास तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधने की तैयारी में है। रैली और सभा में पूर्व सीएम रमन सिंह सहित प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक बुलाने की तैयारी में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में तैयारी नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे? देखिए, जिस तरीके से सीए को लेकर देश भर में विपक्ष पार्टियों समेत आम जनता सड़क पर उतरी हुई है, विरोध तेज होता जा रहा है, उसके जवाब में बीजेपी ने एक जन जागरूकता अभियान का आगाज किया है और अलग अलग शहरों में देश भर के बीजेपी ऐसा आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन ने भी आज सीए के समर्थन में एक बड़ा अभियान छेड़ा है और इस अभियान का नेतृत्व करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रायपुर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रघुवंत सिंह होंगे, संगठन के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी और प्रदेश भर में सोशल मीडिया के जरिए बड़ी पैमाने पे रायपुर चलो के नारे के साथ आम लोगों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। मकसद एक ही है कि सीएए को लेकर एक बड़ी जनसभा यहाँ पर की जाए, रैली निकाली जाए और संदेश दिया जाए कि विरोध के बीच एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसका समर्थन कर रहा है और बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी का एक अहम अभियान साबित करने की पूरी कोशिश है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर जो है